गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और मैं इंग्लिश क्लास हमारे प्रैक्टिस हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं कल बोला था, पढ़ना हमको एक बार है या दो बार है, वही पढ़ाई को दिमाग में रखने के लिए या दिमाग में है या नहीं जानने के लिए बीच बीच में बार बार उसे हमको प्रैक्टिस करना है, डिस्कस करना है, रिवाइज करना है। तो जैसे हम कल एक सेशन किए थे, आज भी हम प्रेपोजिशन का वही सेशन और एक बार करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग होगा, अलग वे से होगा। तो हमारा क्या काम होगा, क्वेश्चन को दिखते ही आंसर निकाल देना है। क्या करना है, पहले समझना है, क्योंकि अनलेस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वी कांट जस्टिफाई द आंसर या वी कांट जस्टिफाई द क्वेश्चन। तो पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन को दिखना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जाके आंसर देना है। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रैक्टिस सेशन ऑन प्रीपोजिशन क्लास टू। प्रैक्टिस सेशन ऑन प्रेपोजिशन टू। ओके, क्या बोला मैं, हर बार जो भी पढ़ाई होता है, जो भी आप इंटरेशन पढ़िए, डांस पढ़िए, भाई इंग्लिश पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, पढ़ने के बाद बीच बीच में डिस्कस करना है। और जब भी पढ़ाई आ रहा है, आप नहीं समझ लेता, समझने कोशिश कीजिए, और टीचर का पूछते रहिए, सर क्यों हो रहा है, ये कैसे जानेंगे, ये एग्जाम हमको ये मदद नहीं करेगा, क्या है हमको एग्जाम में कौन मदद करेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही एग्जाम में हमको मदद करेगा। तो ये क्या हुआ तो हर कोई जानता है, बहुत सारा बुक्स में है, बहुत सारे टीचर लिखे हुए, हमको समझना है क्यों और कैसा। ओके, तो आज लिख लीजिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, माय टीचर रोट ए सेंटेंस। ऑप्शन नहीं दूंगा, कार्य बोला था मैं आपको, ऑप्शन नहीं दूंगा ना। माय टीचर रोट ए सेंटेंस डैश द बोर्ड डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉक्स। ओके, आप कुछ तो समझिए पहले क्या बोल रहा है वो। ऐसा नहीं कि हमको चॉक लिखा है या रोड लिखा है या बोर्ड लिखा है ऐसे हम झाड़ दें, ऐसा नहीं है ना। पहले समझ लीजिए, माय टीचर, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप डिस्कस। और हर बार ध्यान देना है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिया हूं, आंसर मुझे करना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा भी होना नहीं चाहिए कि मैं आंसर करूं, बिल्कुल। आई वांट ऑल ऑफ यू रेड द आंसर्स। ओके, थैंक यू, करिए जल्दी। हाँ बिल्कुल, मैं मेरा काम कुछ कर देता हूँ। ओके, हाँ मुझे याद है ना, एडियोम फ्रेज और वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्लास भी करेंगे। हाँ देखते हैं, प्रभु छुट्टी अगर दे तो कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास हमारा एडियोम फ्रेज का करेंगे, बिल्कुल प्रॉमिस किया हूं मैं। ओके, ऑप्शन देना पड़ेगा, ऐसे तो ऑप्शन नहीं दूंगा, फिर भी मैं आपको कुछ इशारा दे सकता हूँ ना, क्या हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे आप इसके ऊपर लगाइए, इन On, at, of, by, with, हाँ इसके अंदर ही आएगा, लेकिन ये भी गड़बड़ है, ये भी पढ़ाई के अगेंस्ट में है, एजुकेशन के अगेंस्ट में है, ये भी ना नहीं चलना चाहिए। ओके ठीक है, देख लीजिए, मैं समझाने लगूँ तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। और आज का पढ़ाई क्या है, पढ़ाई नहीं है, आज का पढ़ाई पढ़ाई है ही नहीं, आज का पढ़ाई है प्रैक्टिस। पढ़ाई तो दो साल पहले कर चुके हैं हम, 2019 से, हाँ 19-20 से कर चुके हैं, लॉकडाउन चल रहा था, याद आ रहा है, उसके बाद हम नरेशन पढ़ी, टेस्ट को भी मिलाई, हाँ तो इसको हमको बिल्कुल हर बात वही करना है, पढ़ाई एक बार है, बार बार प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, डिस्कस करना है। ओके, तो जाके हम जान पाएंगे दिमाग हमको पसंद क्या है कि नहीं। हाँ ओके, तो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर आ भी गया है, 75% आंसर है और 25% यहाँ हुआ है, तो हमको तो क्लियर करना है वी। हाँ बिल्कुल, हम भाव को क्रैक करना है। माय टीचर रोड ए सेंटेंस डैश द बोर्ड, है ना, तो रोड गलत है कि सही है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, क्योंकि टेस्ट का एरर नहीं दिया हूँ। देखिए, सब पहले आप प्रेपोजिशन को फोकस कर लेते हैं ना। हाँ ये भी करेंगे, डेफिनेट प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हर बात बोलता हूँ। माई टीचर रोट ए लेटर सेंटेंस दिया है, मैंने एक सेंटेंस लिखे नहीं क्या, डैश द बोर्ड, बोर्ड पर लिखेंगे ना, बोर्ड पर लिखेंगे, हाँ
कहां पर लिखेंगे? बोर्ड पर लिखेंगे। क्या बोलता है? जो भी चीज अटैच रहता है, देखो मैं जैसे यहां पे लिखा एक सेंटेंस या कोई वर्ड, तो क्या लिखा? बोर्ड को लिखा है कि बोर्ड के ऊपर लिखा, तो जो दोनों माने जो सरफेस हुआ मार्कर और बोर्ड, ये दोनों क्या हुए? अटैच हो गए ना। जब दोनों सरफेस अटैच हो जाएंगे, दोनों सरफेस अटैच हो जाएंगे, अटैच क्या हुआ? अटैच हो जाएंगे। क्या हुआ ये? ऑन। क्या हुआ? दोनों मार्कर और हैंड अटैच है कि नहीं? अटैच है ना। तो क्या हुआ ये? बिल्कुल। क्या लिखेंगे? माय टीचर रोट ए सेंटेंस डैश द बोर्ड। ये मार्कर और बोर्ड को मिला दी, मार्कर और बोर्ड को पूरा अटैच करा दी, दोनों सरफेस अटैच हो गया। तो अटैचमेंट यहां चल रहा है दो टू सरफेस में, यहां पर क्या यूज करेंगे? ऑन। लेकिन ये एक यूज है, दूसरा यूज हम कल भी पढ़े थे व्हीकल कम्युनिकेशन में, ये भी कुछ चेंज देंगे, समझना है, इसलिए पहले समझना है। माय टीचर रोट ए सेंटेंस डैश द बोर्ड, इन द बोर्ड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन कहां पे लगता है? क्लोज सराउंडिंग्स में। ये भी क्लोज सराउंडिंग्स है, लेकिन बोर्ड क्लोज सराउंडिंग्स के अंदर है, लेकिन लिखने का काम किसके साथ है? बोर्ड के साथ है ना। तो बोर्ड पर लिखे हम, हिंदी नहीं करना है ना, हिंदी से इंग्लिश बन सकता है ना इंग्लिश से हिंदी बन सकता है, वो अपने लैंग्वेज में है ना, ध्यान देना। ट्रांसलेट करके हर कुछ ये समझ नहीं पाएंगे हम, गड़बड़ हो जाएगा ना। क्या हुआ ये? माय टीचर रोट ए सेंटेंस डैश द बोर्ड, बोर्ड पर लिखे, ऑन द बोर्ड। क्यों? तो क्या हुआ क्लियर? यहाँ पे ऑन, तो यहाँ पे ध्यान देना है ऑन क्यों हुआ, यहाँ पे इन और एट क्यों नहीं हुआ, एग्जाम में ये हमको हेल्प करेगा, ध्यान देना। अगर हम जानते हैं रास्ता तो कहीं भी जा सकते हैं, अगर रास्ता ही मालूम है कैसे जाएंगे हाँ वही। तो माय टीचर रोट ए सेंटेंस डैश द बोर्ड, ऑन द बोर्ड, डैश डिफरेंट टाइप ऑफ चॉक, ये कहां पर लिखे? ये लिखे हम बोर्ड पर। ये किसके साथ लिखे? ये जो मार्कर है ना, मैं मार्कर में लिख रहा हूं, लेकिन हमारे क्या बना? डिफरेंट टाइप ऑफ चॉक, चॉक से लिखे। तो क्या बताएंगे? ये तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे छोटा भाई बहन पूछेंगे, भैया या दीदी ये कैसे होगा, हम जानेंगे कैसे? तो क्या बताएंगे उनको? अगर कोई काम हम किसी के मदद से कर रहे हैं, और कोई काम हम किसी के मदद से कर रहे हैं, किसी के हेल्प से हो रहा है, और वही है काउंटेबल नाउन, ध्यान दें। अगर वो काउंटेबल नाउन हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, या वो एक वेपन के हिसाब से काम करता हो, तो हम जो लिखे किसके मदद से लिखे? चक की मदद से लिखे, जो मैं मदद कर रहा हूं, लेकिन काम भी होना चाहिए। क्या होगा? काम भी हो, एक्शन भी होना चाहिए, लिखा जा रहा हूं छोटा सा चीज, एक्शन भी होना चाहिए और ये काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए। अनकाउंटेबल होता तो अलग हो जाता, हाँ काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। क्या लिखेंगे? बिल्कुल। बाय होगा क्या? देखो अच्छे से, कोई कुछ बाय भी बोल रहे हैं, कोई ऑन को भी चले जा रहे हैं, कोई के इन भी बोल रहे हैं, तो सब आंसर गलत है, लेकिन यहाँ पे 15-60% आंसर सही दिए। क्या हुआ ये? अगर कोई काम हम किसी के मदद से करते हैं, ये अगर काउंटेबल नाउन हो, तो वही जो मदद करेगा वही मददगार को हम बोलेंगे क्या? विथ, ध्यान छोटा सा चीज, हाँ विथ का भी प्रिपोजिशन हम पढ़े थे, फिर रिवाइज करके, रिवाइज हो नहीं पाया है, दिमाग में है या निकल गया, मोस्ट ऑफ द निकल चुका है हाँ। तो माय टीचर रोट ए सेंटेंस ऑन द बोर्ड विथ डिफरेंट टाइप ऑफ चौक, अगर हम हिंदी को चलेंगे क्या होगा? चौक के साथ हम लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा, काम नहीं देगा, इसलिए हिंदी हिंदी की जगह में है, इंग्लिश इंग्लिश की जगह में है, और उड़िया उड़िया की जगह में है हाँ बिल्कुल। तो माय टीचर रोट ए सेंटेंस ऑन द बोर्ड विथ डिफरेंट टाइप ऑफ चॉक्स, क्यों उम्मीद हुआ, समझ में आया, क्लियर? ओके, डाउट नहीं है। तो क्या लिखेंगे नोट? हाँ, व्हेन वी डू एक्शन, व्हेन वी डू एनीथिंग, या व्हेन वी राइट समथिंग, व्हेन ए वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ समथिंग एल्स, किसी के मदद से अगर हो रहा है, और पीपल इट इज काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन भी हो, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? विद यूज करेंगे। लेकिन अगर हम किसी के मदद से जो नॉन लिविंग थिंग्स है, काउंटेबल नहीं होकर कोई पर्सन होता, तो इसके लिए अलग यूज करते, ये भी ध्यान देना है, ये भी करेंगे ना। तो माय टीचर रोट ए सेंटेंस ऑन द बोर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ चॉक, तो क्या क्या हुआ यहाँ पे? ऑन और विद एक साथ रह गया, ऑन भी हो गया विद भी हो गया, ऐसा नहीं है 1 2 3 करना है, हमको समझना है विद क्यों हुआ। ओके ठीक है, लिख लीजिए लोग आराम से, वही तो है, नहीं लिखेंगे जानेंगे कैसे, ये तो है ही ना, जल्दी जल्दी ठीक है, आप भी काम कर लीजिए, मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, डिफरेंट दिखे, टाइम को दिख के, टाइम को निकालना है, टाइम हमारा हो गया 9 मिनट्स हो गया, जल्दी कीजिए ना, एक नंबर में 9 मिनट्स हो चुके हैं, देखिए क्लियर, बस
ये जब भी पूछूंगा आपको आंसर आना चाहिए, ना कि मुझे आंसर बताना पड़े। हाँ, ध्यान देना। आज के संग सेकेंड क्वेश्चन हो गया। दिस एसे वन है ना, दिस एसे हैज बीन रिटन डैश सस्मिता मैम डैश माए गिफ्टेड पेन। ये भी पहले जैसे ही है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। समझना है, वे भी हो सकता है ना। दिस एसे हैज बीन रिटन डैश सस्मिता मैम डैश माय गिफ्टेड पेन। क्लियर हो रहा है? कुछ तो समझ में आ रहा ना? ध्यान देखिए अच्छे से। बोलिए, करेंगे ना डेफिनेटली। ये आप इडियम को छोड़ दीजिए, इडियम को कल तक के लिए स्थगित। आज हम प्रीपोजिशन पे फोकस करते हैं, नहीं तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ये भी गड़बड़ हो जाएगा ना। स्थगित ना, पोस्टपोन। पोस्टपोन के लिए हम कौन सी प्रेजेंट वर्ब यूज करते हैं? पढ़े थे बोलिए। बिल्कुल पुट आएगा ना, पुट का कहाँ आएगा? पुट तो बहुत सारा है, पुटन है, पुटिन है, पुट डाउन है, पुट अंडर है, वो पुट आउट है, बहुत सारा है ना। क्या होगा? हाँ, पुट अप। अगर हम कैंसिल करते हैं तो क्या होगा? कौन सी प्रेजेंट वर्ब होगा ना? क्या होगा? हाँ, कॉल डाउन होगा, कॉल डाउन होगा, कॉल डाउन होगा। क्या कैंसिल के लिए? जैसे पुट अप डायरेक्ट बोल दिया, डायरेक्ट तो नहीं बोले, चार पांच तो ऑप्शन दे रहे थे आप भी। नहीं, वी आर बी पर्टिकुलर, दैट इज द एप्रोप्रिएट आंसर। हाँ, तो जाके हम कमेंट भी आएंगे ना। क्या होगा? हाँ, पोस्टपोन करेंगे तो पुट अप, कैंसिल कर देंगे तो कॉल अप। हाँ, कि कॉल आउट करो तो बुलाना होता है ना यार। ये बोलता हूँ, पढ़ना एक बार है और बीच बीच में डिस्कस करते रहना है ना। गॉसिपिंग कुछ कुछ चलेगा, लेकिन हर वक्त नहीं, पढ़ाई फास्ट है ना। एनीवे, क्या हुआ ये? दिस एसे हैज बीन रिटन डैश सस्मिता मैम। हर बार ध्यान देना, अगर कोई भी सेंटेंस में पैसिव हो, पैसिव भी पढ़े, रिवाइज करेंगे भी ना, रिवाइज हर बात करना है, नहीं तो बैस। दिस एसे हैज बीन रिटन डैश सस्मिता मैम। कोई भी काम अगर पैसिव में हो, माने जो काम कर रहा है वो पहले नहीं दिया हो, माना दी ऐसे क्या काम कर रहा है, क्या ऐसे काम कर रहा है, क्या ऐसे को लिखा जा रहा है, ऐसे खुद लिखेगा क्या? नहीं, जो काम खुद नहीं करेगा और वो हो, और वहां पे एक्शन भार भी हो, ध्यान देना। ऐसे नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं आप, अगर सेंटर में नॉन लिविंग हो, लेकिन सिर्फ नॉन लिविंग होने से हम उसे पैसिव नहीं बोलेंगे। जैसे ये देखिए मार्कर, ये तो लिविंग नहीं है ना, कि लिविंग है, दौड़ेगा घूमेगा, नहीं ना, नॉन लिविंग है। लेकिन बोलूंगा इट ये मार्कर, ये क्या पैसिव हो पाएगा क्या? इम्पॉसिबल है, एक्शन भार होना चाहिए। हाँ, आई बॉट ए मार्कर, मैं खरीदा मार्कर, तो मेरे बारे में बोल रहा है, तो एक्टिव है। लेकिन मैं मार्कर को पहले अगर ले आऊंगा, मार्कर बॉट गलत हो गया, तो मार्कर इज बॉट या मार्कर हुआ आज बॉट, ऐसे करेंगे। तो नॉन लिविंग थिंग स्टार्टिंग में होना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा लिविंग होगा तो पैसिव नहीं होगा, लिविंग भी पैसिव हो सकता है, लेकिन उस पर काम होना चाहिए। अगर वो खुद काम करेगा तो एक्टिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, तो ये दिस ऐसे खुद तो लिखेगा नहीं, कौन लिखे हैं? बस ये ऐसे को लिखा गया है, हैज बीन लगा गया है, एरर नहीं दिया हूं टेंस का। रिटन डैश सस्मिता मैम, जो भी काम हम पैसिव में करेंगे, और वही काम अगर कोई पर्सन से होता होगा, कोई पर्सन से अगर ये काम हो गया होगा या किया गया होगा, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन। नाइस, क्या बहुत बार समझाया हूं मैं, बाय और विद का कन्वर्सन भी समझाया था। आप क्या करें, रिवाइज नहीं किया इसलिए दिमाग बोल दिया बाय बाय। दिमाग को रखना है, बाय बाय नहीं करना है। हाँ, एग्जाम के बाद आप बाय बाय कर दो चलेगा, वो बाय बाय नहीं होगा अगर आप दिमाग में रख लिए तो। एक बार तन और मन लगा दिए पढ़ते टाइम, ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे प्रीपोजिशन, आप फोकस कर रहे हैं इडियम फ्रेज पे, क्या होगा? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉब्लम है, ये करना नहीं है, कंसंट्रेट करना ना। दिस एसे हैज बीन रिटन डैश सस्मिता मैम, सस्मिता मैम कौन है? लिविंग है ना। हाँ, राधे राधे। क्या होगा? दिस एसे हैज बीन रिटन बाय सस्मिता मैम, समझ में आ रहा? क्यों बाय हुआ? क्लियर? विद क्यों नहीं हुआ? पढ़ने का विद हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, अगर टुगेदरनेस को बताए तो। ये क्या टुगेदरनेस को बता रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। ये क्या बता रहा है? काम, वो कौन से काम किए हैं,
और काम को बताएगा तो ये हम यूज करेंगे बाय। क्लियर। फिर जो काम किए किसके मदद से तो काम करे होंगे ना। हाँ डेफिनेटली। तो जैसे पहले क्वेश्चन था दिस एसे हैज बीन रिटन डैश अस्मिता मैम बाय अस्मिता मैम, कौन सी गिफ्टेड पेन, मैं जो पेन गिफ्ट किया था या मैं जो पेन गिफ्ट किया हूं इस पेन से लिखे हैं। वो लिखे नहीं बोल रहे, ऐसे लिखा गया है। क्या होगा, पेन नाउन है, गिफ्टेड एडजेक्टिव है, माय क्या है, माय गिफ्टेड दोनों हो गया, तो माय गिफ्टेड दोनों एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता। हाँ माय गिफ्टेड पेन, मेरा गिफ्ट किया गया पेन से वो लिखे हैं, तो क्या हो गया, तो माय गिफ्टेड पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, अनकाउंटेबल की काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। तो क्या होगा, जो भी काम हम कोई नॉन लिविंग से करें और काउंटेबल से करें तो क्या होगा, कोई भी चीज अगर काम करने में मदद करता हो, मददगार हो, एजेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, विथ। क्लियर। तो ओके ध्यान दीजिए, दिस एसे हैज बीन रिटन बाय सस्मिता मैम विथ माय गिफ्टेड पेन। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, गलत करके आ जा रहे हैं, तो कहां पे गलती हो रहा है समझ में आ रहा है, यहां पे विथ क्यों हुआ, वहां पे बाय क्यों हुआ, नोट लिख लीजिए। हाँ पढ़ना नहीं है हमको, डिस्कस करना, पढ़ना तो साल भर पहले पढ़ चुके हैं ना, ध्यान मिले, जल्दी जल्दी लिखिए, टाइम हो रहा है, देखिए टाइम हो गया हमारा 16 मिनट्स, दो ही नंबर करें, नहीं ये ठीक है, हम एक भी नंबर करने से चलेगा, लेकिन वही एक नंबर दिमाग में घर करना चाहिए ना। बिल्कुल हो गया ना, ये अगर काउंटेबल नाउन हो, ये अगर काउंटेबल नाउन हो और वही काम में मदद करता, ये कॉप है या मैं विद लगा दूं क्या, ऐसा तो नहीं है ना, मदद करता हो तो जाके हम उसके साथ क्या लगाएंगे, विद। कहां कहां इन भी लगाता, नॉन लिविंग में डेफिनेटली लगाता, ये भी क्वेश्चन दे देंगे, इसमें क्या है ना, अगर एक नंबर मैं समझ कर पा रहे, मैं समझ के कर पा रहे हैं तो 1000 नंबर कर पाएंगे, और 1000 नंबर बिना समझ के कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ना। क्लियर। तो आज इस सेशन का थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से ना, क्लियर। तो अच्छा जैसे देखिए 3 नंबर, कान्हा जंप्ड डैश द रिवर, अच्छे से देना ध्यान दीजिए, मैं ऑप्शन से नहीं दूंगा ना, ऑप्शन से बोल दूंगा आप, लेकिन ऑप्शन में मत लीजिए ऑप्शन ना। कान्हा जंप डैश द रिवर, उसके बाद बोला कान्हा इज स्विमिंग डैश द रिवर 5, ध्यान देना ना, आई थ्रू ए पेन या थ्रू माय पेन लिख देता हूं, खराब हो गया पेन को फेंक दिया ना, थ्रू माय पेन डैश द रोड, ठीक है। यहां पे और भी क्वेश्चन निकलेगा जल्दी जल्दी, 3 नंबर है, 3 मिनट में हमको खत्म करना है, 3 मिनट नहीं 3 सेकेंड, एक एक आंसर है ना। तो कान्हा जंप डैश द रिवर, कान्हा इज स्विमिंग डैश द रिवर, आई थ्रू माय पेन डैश द रोड, हाँ गाना श्री कृष्ण भगवान, हाँ बहुत सारा नाम है, माधव है, मुरली बारे है, बंसीलाल है, केशव है, बहुत सारा नाम है, कान्हा, कान्हा नाम बहुत पवित्र है ना। कान्हा जंप डैश द रिवर क्या होगा, कान्हा इज स्विमिंग डैश द रिवर, आई थ्रू माय पेन डैश द रोड, क्या होगा बोलिए, ऑप्शन क्या होगा, इन ऑन एड ऑफ बाय विथ इनटू ऑन अपॉन, ऐसा तो कुछ होगा इसके अंदर, कुछ अलग क्या होगा, एप्रोप्रिएट करना है, ध्यान देखिए छोटा छोटा चीज, कान्हा जंप डैश द रिवर, जल्दी जल्दी हाँ, यहां पे क्या हो रहा है, कान्हा रिवर पर नहीं है, कान्हा हाँ कान्हा रिवर के ऊपर है, माने फ्रंट में है, सूखा जगह में वो कूदा है, क्या होगा, जैसे मार्कर है, मार्कर मेरे पास है, मैं आपको फेंकूंगा और मार्कर को आप पकड़ोगे, लेकिन आप मार्कर को नहीं पकड़ के वो कोई नाली में गिर गया या कोई गड्ढा में गिर गया, तो ये अलग हो गया ना, ये है सीखने का तरीका। तो कान्हा जंप द रिवर, रिवर में नहीं था, रिवर में गिरा है माने कूदा है, तो कहां पे था, ऊपर में था, लेकिन गिरा कहां पर है, गड्ढा में गिरा है, रिवर मैंने क्या है, होली कह रहा हूं हाँ,
तो अगर कोई जगह अगर मूवमेंट में हो और गिरेगा कोई होल जगह में, माने गड्ढा जहां पे हो, रिवर कहां पे होता है, सूखा में तो रहेगा नहीं, तो क्या होगा, हाँ अगर हम मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करते टाइम अगर मूवमेंट करते टाइम कोई अगर कोई गड्ढा में गिर गया है, वो लोग ग्राउंड पे गिर गया, तो हम क्या बोलेंगे उसे, बिल्कुल कान्हा जम इन द रिवर होगा, क्या इन और इन टू, ये डिफरेंस है। देखिए क्या होगा ये, हाँ अगर हम मूवमेंट करते कोई गड्ढा में गिरते हैं, होल ग्राउंड पे गिरते हैं, मूवमेंट होते टाइम, मूवमेंट गिरने के बाद क्या हुआ, ये अलग है, गिरते टाइम, गिरने का टाइम जो हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कान्हा जम इनटू द रिवर। क्यों इनटू हुआ समझ में आया, इनटू क्यों हुआ समझ में आया, क्लियर, मूवमेंट होना चाहिए नहीं तो इनटू हो ही नहीं सकता। इनटू क्या है, इन एक प्रीपोजिशन है, टू एक प्रीपोजिशन है, तो ये क्या हो गया, दो प्रीपोजिशन, दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलके हो गया डबल प्रीपोजिशन। पढ़े थे ये, याद कीजिए, और पढ़ेंगे नहीं हम, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ना एक बार होता है और बार बार रिवाइज होगा। क्या होगा ये, इनटू क्यों हुआ, क्लियर, और एक क्वेश्चन देंगे इस तरह का, पहले इस तरह का एक बार समझ लेना, बार बार करना है उसको, एग्जाम अगर आएगा तो यही हमको हेल्प करेगा, क्यों हुआ, कैसे इनटू हुआ। हाँ तो हम ऐसा थोड़े ना रिवर को दिख के लगाएंगे प्रीपोजिशन या कान्हा को दिख के लगाएंगे, ऐसा नहीं है, जम रिवर, पहले बोलो प्रीपोजिशन का पहले क्या है और प्रीपोजिशन के बाद में क्या है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेश हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट वर्ड हो सकता है, उसके पहले, इसके पहले क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, पहले बोला हूं कुदा ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा है, रिवर के बारे में है, दिखते हैं क्या प्रॉब्लम है ना? तो ये क्यों इनटू हुआ, क्लियर, ओके, अगर ये पहले वाला क्लियर हो गया तो सेकंड वाला हर बार आना चाहिए। देखिए यहाँ भी रिवर है, यहाँ भी कान्हा है, यहाँ पे जंप सिंपल पास था, यहाँ पे कंटिन्यूस है, कान्हा इज स्विमिंग डैश द रिवर, ध्यान देना, यहाँ पे कान्हा लेकिन रिवर में को कूदा नहीं है, रिवर पर है, वो रिवर के अंदर है, अब वो मूवमेंट है लेकिन वो रिवर पर ही है, पहले कुछ समय क्या था, रिवर पर नहीं था, ये कूदा था, तो ये क्या है, कान्हा इज स्विमिंग डैश। अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे, स्टेट में रहेंगे, जैसे अब है, जैसे मार्कर को खरीदा, फेंका, तो मार्कर मेरे पास है, तो ये क्या है, मेरे हैंड में है, ये अलग है ना, ऑन है ना, जब मैं आपको फेंकूंगा मूवमेंट में जा रहा है तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन देंगे, ध्यान देना, यहाँ पे है क्वेश्चन है ऑलरेडी ना, करेंगे, तो कान्हा इज स्विमिंग डैश द रिवर, कान्हा इज स्विमिंग, हाँ यहाँ पे इनटू द रिवर नहीं होगा, स्विमिंग के अंदर नहीं तैर रहा है, वहां पे तैर रहा है, कहाँ पे, क्लोज सराउंडिंग, क्लोज सराउंडिंग से क्या, एक पैरामीटर आई है, तो हम क्या, कहाँ पे तैरते हैं, कहाँ तैरते हैं, क्लोज सराउंडिंग तैरते हैं, तो ऊपर में तैरते हैं पानी के, हाँ तो क्या होगा, कान्हा इज स्विमिंग इन द रिवर, समझ में आ रहा है, तो क्यों इन हुआ, वहां पे क्यों इनटू हुआ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके, डाउट होगा फिर बोलना, लेकिन जो जो पढ़ा जा रहा है उसको फिर एक बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, तो जाके ये दिमाग में घर करेगा, तो दिमाग फिर बाय बाय करेगा। तो ये दो दो क्वेश्चन अगर क्लियर तो थर्ड को चले जाते हैं, ठीक है, नोट भी लिख लीजिएगा, नोट भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इन हुआ, क्यों इनटू हुआ, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आना चाहिए, आना भी चाहिए ना, टाइम को देख के, टाइम हमारा निकल रहा है 23, और दो तीन तो क्वेश्चन कर सकते हैं, आई थ्रू माय पैंट एज द रोड, कुछ कुछ आंसर आ रहा है बट हर आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए हमको हर को सही करना है, तो जाके हम एग्जाम में क्लिक करेंगे। यहां पे क्या है, रोड पर पेन नहीं है, पेन रोड पर नहीं है, पेन को रोड पर फेंका गया है, जैसे वहां पे क्या हुआ, कान्हा जम किया रिवर पर, नदी को कूदा, तो क्या हुआ, मूवमेंट जब करेंगे और कोई गड्ढा में गिरेंगे तो इनटू, अगर हम मूवमेंट मतलब खुद हम चलेंगे और जाके कोई प्लेन सरफेस पे गिरेंगे, अगर कोई हॉलो ग्राउंड पे गिरेंगे तो इनटू, अगर कोई हॉलो ग्राउंड पे गिरेंगे तो इनटू, अगर कोई प्लेन सरफेस पे गिरेंगे तो ऑन नहीं अपन, ऑन तो हम प्लेन है, इसका कोई मूवमेंट नहीं है, ऑन का कोई मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन अनटू अपन ये सब का क्या होगा, मूवमेंट होगा, क्लियर, क्या होगा ये, आई थ्रू माय पेन, पेन को फेंका, कहां पे गिरा, रोड पर, अगर हाँ अगर ये कोई रिवर पे गिरता, दोनों दे देते हैं एग्जाम में, कुछ भी दे सकता है, क्या होगा, हाँ अगर ये पेन रिवर पे गिरेगा तो क्या होगा, रिवर पे गिरता तो इनटू, क्योंकि हम मूव करा रहे हैं, ध्यान देना, आई थ्रू माय पेन डैश द रिवर अपन द रिवर, ये क्यों अपन हुआ, क्यों इनटू हुआ, ये अपन इसलिए हुआ, ये क्यों प्लेन सरफेस पे गिरा, ये इनटू क्यों हुआ, रिवर एक हॉलो ग्राउंड, ये गड्ढा चीज है इसलिए इनटू हुआ, क्लियर, डाउट हो रहा है नहीं,
एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे जल्दी जल्दी। तो कहां पे इन हो रहा है, कहां पे इनटू हो रहा है, कहां पे बाय हो रहा है, कहां पे विद हो रहा है, ये भी ध्यान देना है ना। डाउट होगा उसके बाद अगले क्लास करेंगे, लेकिन जो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रिवाइज, मैं आज पढ़ाई हो रहा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आज क्या पढ़ाई तो कब से खत्म हो चुका है, आज हमारा क्या है प्रैक्टिस। अच्छा तो और एक दो क्वेश्चन देते हैं, समझिए लेकिन बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज, क्या हमको बोल रहा है, व्हाट आर द क्वेश्चन आस्क्ड टू डू, देन ट्राई टू रिप्लाई या ट्राई टू आंसर। अनलेस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हाउ कुड इट बी रिप्लाइड, रिप्लाई कर भी रहे we are not sure whether it is right or wrong, so in order to get the questions right we are to understand what the question they are is, what I asked us to do first. To aaj ki 6 number ka session ka 6 number ka question ho gaya, dekhiye I have drawn a tattoo, I have drawn a tattoo, radhe radhe, I have drawn a tattoo, Radhe Radhe, dash my arm. ध्यान दीजिए यहां पे राधे राधे और my arm का रिलेशन है, क्योंकि यहां पे तो हम पोजिशन बनाएंगे ना, ये तो पोजिशन कौन बताएगा, उसके बाद चीज बताएगा, उसके पहले चीज बताएगा, तो आफ्टर में क्या दिया दिखते हैं, बिफोर में क्या दिया दिखते हैं। I have drawn a tattoo, माने मैं टैटो बनाया हूं, कौन सी टैटो, टैटो में राधे राधे लिखे, हाँ राधे सब ऐसी राधे राधे लिखा गया है ना, ठीक है ओके, श्री राधे राधे, ओके क्लियर। तो श्री राधे राधे हमारे और में लिखा गया है, मैं एक टैटो किया हूं, डैश का एरर नहीं है, क्या होगा आई हैव ड्रॉन अ टैटो डैश माय आर्म, बिल्कुल अटैच सरफेस है, राधे राधे और मेरे आर्म अटैच है, कि हम आर्म के अंदर लिखेंगे, उसको तो कूट के फिर लिखेंगे ना, ब्लड ब्लड निकल जाएगा, अंदर रहेगा नहीं, टैटो कहां पे होता है, ऊपर रहता है कि अंदर रहता है, हाथ की आपके अंदर नहीं रहता है ना, तो ऊपर रहता है, अटैच रहता है, क्या होगा बिल्कुल आई हैव ड्रॉन ए टैटो श्री राधे राधे ऑन माय आर्म, डिड यू गेट माय पॉइंट, ओके। ऑन क्यों हुआ, ओपन क्यों नहीं हुआ, इनटू क्यों नहीं हुआ, समझ में आया ओके। ये क्वेश्चन को और एक बार घुमा के देते हैं, एग्जाम में तो वही करता है हाँ, क्लियर। यहाँ पे बिठा देते, मैं भी यहाँ पे जगह ना हो, समझ में आएगा, रिकॉग्नाइज नहीं होगा, फिर बोलेंगे सर आपका हैंडराइटिंग इतना सुंदर दिखता है, दिखाई नहीं दिया कुछ, हाँ तो असुविधा हो जाएगा। एनी तो और एक बात लिख देते हैं, हाँ बिल्कुल, सेवन नंबर, आर्यन हैज ड्रॉन ए टैटू, नहीं नहीं वही क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन का और कुछ एक्सटेंशन है, देखिए आर्यन हैज ड्रॉन ए टैटू, हाँ आर्यन हैज ड्रॉन ए टैटू डैश हिज राइट आर्म डैश, डैश केमिकल इंक, बस ध्यान देना छोटा सा चीज है, यहां पे केमिकल इंक दीजिए एक्स्ट्रा हो गया, यहां पे यहां तक था, घुमाना तो एग्जाम में क्वेश्चन, अगर हम जानते हैं रास्ता तो मंजिल तो हमको मिलेगा ही, मंजिल तो है हमारे पास, हमको मंजिल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम जरा पढ़ाई में जरा स्लो हो गए, फास्ट करना है, टाइम को देखिए टाइम कैसे चल रहा है, 28 हो गया ना, आर्यन हैज ड्रॉन ए टैटू डैश हिज राइट आर्म डैश केमिकली, तो ये जो आर्यन है, हाँ आर्यन कौन है, आर्यन हमको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, आर्यन हमको बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा देते हैं, हाँ जिंदगी का सीख हमको आर्यन दे ही देते हैं, हाँ आर्यन हैज ड्रॉन ए टैटू डैश हिज राइट आर्म, क्या होगा, हाँ आर्यन हिंदी में सिखाते हैं, आर्थिक हमको इंग्लिश में सिखाते हैं, लेकिन जिंदगी का ज्ञान देते हैं, बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, आर्थिक इंग्लिश में सिखाते हैं, हाँ आर्यन हैज ड्रॉन ए टैटू डैश इज राइट आर्म, हाँ काना काना जी, हम काना हमको क्या करता है, काना बोलते क्या आप कौन क्या ज्ञान दे रहे हैं मत सोचो, हाँ आप वही करो जो मैं बोल रहा हूँ, तो काना मुझे वही बोलते हैं, तो मैं वही कोशिश करता हूँ, हाँ आर्यन हैज ड्रॉन ए टैटू डैश इज राइट आर्म,
हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हो गया ऑन ही राइट आर्म, है ना, राइट आर्म में लिख लिए, किसके मदद से लिखे, कुछ दिन पहले किए थे, लेकिन यहाँ पे और एक चीज है, ठीक से मदद से लिखे, यहाँ पे विद होना चाहिए क्योंकि हम भी बोले थे अगर किसी मदद से हम कुछ काम करेंगे तो विद करना चाहिए, यहाँ पे और भी कुछ लिखा था मैं, हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन दे देता हूँ, विद और इन, छोटा सा चीज है, ध्यान देते हैं क्या होगा, ये आर्यन जो टैटो लिखे हैं ये जो केमिकल इंक से लिखा गया है, वो टैटो जो किया गया है केमिकल इंक से, तो ये इंक क्या है, हाँ हर बात ध्यान देना, अगर कोई काम हम करेंगे और वही काउंटेबल नाउन होगा तो यहाँ पे हम यूज करेंगे विद, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो यहाँ पे यूज करेंगे इन, ध्यान देना छोटा सा चीज, क्या होगा ये, तो ये जो टैटो कहाँ से लिखे हैं, सही सही केमिकल सही से लिखे हैं, हाँ बिल्कुल, तो समझ में आ रहा है, तो मैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल का बात बोला, ध्यान देना छोटा छोटा चीज है, बहुत अहम है ये समझना जो हमको एग्जाम में मदद करे, क्लियर हो जाना, ऐसा कि बुक में क्या दिया है, बुक में गलत बिल्कुल नहीं दिया, बुक में कितने कितने बड़े बड़े सार लोग लिखे हैं, प्रोफेसर लोग लिखे, गलत लिखेंगे क्या, लेकिन हमको जो लिखे हैं उसको समझना है ना, तो जाके हम जस्टिफाई कर पाएंगे, हाँ आर्यन हैज ड्रॉन अ टैटू ऑन हिज राइट आर्म, तो विद भी दिया गया एग्जाम में, तो विद क्यों नहीं लिखेगा, समझ में आया, ओके तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन, इन के लिए कहने, ओके तो क्यों, कहाँ पे इन हो रहा है, कहाँ पे विद हो रहा है, कहाँ पे ऑन हो रहा है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, अच्छा और एक क्वेश्चन हमारे टाइम के साथ, टाइम और एक दो नंबर कर सकते हैं, सेवन नंबर है, टेन नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है कि जल्दी जल्दी निकल जाओ, मैं भी दौड़ा, मेरा भी काम है बोल रहा है ना, टाइम बोल रहा है, टाइम कभी किसी को वेट नहीं करता, हमको वेट करना पड़ेगा टाइम का ना, एनीवे हाँ बिल्कुल, तो यहां पे एट नंबर पे क्या बोला यार, देखते हैं ना, एट नंबर बोला लेनू बॉट, ध्यान देना, लेनू बॉट ए स्मार्ट मोबाइल, डैश रुपीस 1 लाख, है ना, लेनो बॉट ए स्मार्ट मोबाइल डैश रुपीस 1 लाख, हाँ या टैश नहीं दिया हूं, पहले भी लिख देते हैं लास्ट, अच्छा 1 मिनट, ऑन डैश दिवाली, आप जरा देखिए यहाँ पे 8 नंबर दिया है और यहाँ भी 2 प्रिपरेशन दे दिए हैं जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, रिवाइज में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और पढ़ाई तो 2 साल पहले कर चुके हैं लॉकडाउन के टाइम में, तो आज पढ़ाई नहीं, आज प्रैक्टिस है, जो हम भूल गए हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस ये हमको खत्म कर चुका है, हाँ तो हाँ बिल्कुल, हाँ ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस वी हैव फॉरगॉटन मोस्ट ऑफ द टॉट लेसन ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, हाँ तो लेनू बोर्ड स्मार्ट मोबाइल डैश रुपीज 1 लाख डैश दिवाली, बिल्कुल दिवाली को लेनू एक मोबाइल खरीदा स्मार्ट मोबाइल जिसका प्राइस था 1 लाख, हाँ अबाउट 1 लाख, ज्यादा भी होगा लेकिन